दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल अभी अभी। मैं राधा ठाकुर लेकर हाजिर एक और रोचक वीडियो। मरने के 20 दिन बाद भी कोई जिंदा हो सकता है, ये बात सुनने में भी अटपटी लग रही है, लेकिन दोस्तों ये बात 100 आने सच है। जिस शख्स को 20 दिन पहले चिकित्सीय रूप से मृत घोषित कर दिया गया हो, उसके चेहरे की चमक और शरीर की गर्माहट इस बात का हल्का सा भी एहसास नहीं होने देती कि वो मृत शरीर है। हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत में गादेन जंगत्से मठ के बौद्ध विद्वान गेशे तेनपा ग्यालत्सेन की। उनकी मृत्यु को हुए 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उनके शरीर से आज भी कोई शारीरिक क्षय या कमी के संकेत नहीं मिले हैं। यानी चिकित्सकीय तौर पर मृत्यु के 20 दिनों के बाद भी गेशे तेनपा थुकदाम की दुर्लभ ध्यानस्थ अवस्था में हैं। दोस्तों यहाँ थुकदाम का अर्थ समझना जरूरी हो जाता है। थुकदाम एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ है समाधि या ध्यान की स्थिति के लिए खड़े रहना। कुछ साल पहले तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की पहल पर इस तरह की घटना का वैज्ञानिक शोध भी चल रहा है। तिब्बती बौद्धों ने थुकदाम का ध्यान की दुर्लभ स्थिति के रूप में भी वर्णन किया है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन यानी सीटीए के धर्म और संस्कृति विभाग की ओर से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक थुकदाम एक बौद्ध घटना है जिसमें एहसास होता है कि शारीरिक मृत्यु के बावजूद मरने वाले की चेतना बनी रहती है। गेशे तेनपा ग्यालत्सेन का जन्म 23 अप्रैल 1934 को तिब्बत के खाम तावो में हुआ। माता का नाम लोबसांग लामो और पिता लोबसांग बुमराम के घर से 20 साल की उम्र में वो तिब्बत स्थित गादेन जंगत्से मठ में शामिल हो गए। वर्ष 1959 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा तिब्बत पर अवैध कब्जे के बाद वो भारत आ गए। गेशे ने शुरुआती वर्ष बक्सर स्थित धर्म केंद्र में बिताए, जहां पर 1959 में तिब्बतियों के लिए पहला मठ सुविधा स्थापित की गई थी। बाद में वे दक्षिण भारत चले गए। गेशे एक अच्छी तरह से सीखे हुए बौद्ध चिकित्सक थे और उन्होंने तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रमुख कैनन का अध्ययन करने में वर्षों बिताए थे। आपके लिए ऐसे ही रोचक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना होगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।